अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Redmi 10 का कैमरा रिव्यू। दोस्तों Redmi 10 रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया 33,000 रुपये की प्राइस रेंज में, 6GB रैम के साथ, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज में। अब दोस्तों जब कंपनी ने ये फ़ोन लॉन्च किया तो उन्होंने साथ अपना स्लोगन निकाला, लेवल अप। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर दिया और उन्होंने कहा जी हमने कैमरे ऐसे लगा दिए हैं कि वो दुनिया के बाहर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों लेवल अप से याद आया, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बनाई, Redmi 10 लेवल अप। कुछ यूट्यूबर्स ने तो भाई पैंट कोट भी पहन लिया था। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका कैमरा टेस्ट और देखेंगे कि भाई कितना एक लेवल अप है, क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है। अब दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने मेरा काम करना है, फेवर करनी है, भाई की रिक्वेस्ट है आपसे, फेवर करनी है, अपने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के चैनल पर जाना है और उनको कमेंट सेक्शन में पूछना है कि भाई हमें Redmi 10 का कैमरा टेस्ट चाहिए, कैसे हैं इनके कैमराज, इतनी जो आपने वीडियो बनाई है लेवल अप की तो हमें बताएं कैसे हैं इनके कैमराज। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Redmi 10 के कैमरा रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों ये है Redmi 10 का फ्रंट कैमरा। अब दोस्तों यहाँ पे 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर लगाया गया है और रिजल्ट आपके सामने है। डिस्प्ले में तो मुझे कुछ खासा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ये देखें, अब ये सूरज इस वक्त हमारी बैक साइड पे है तो डायनामिक रेंज इसकी ये है और रिजल्ट फ्रंट कैमरे का मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। कुछ खासी डिटेल्स भी कैप्चर होती नज़र नहीं आ रही। और याद रहेगा ये जो इस वक्त आवाज़ आपको आ रही है ये इसके बिल्ट इन माइक से है और यहाँ पे फ्रंट कैमरे में किसी किस्म की EIS की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों फ्रंट कैमरा में आप मैक्सिमम 1080p पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं 30fps पे। तो दोस्तों ये है अब Redmi 10 का बैक कैमरा। अब यहाँ पे दोस्तों बताता चलूँ कि Xiaomi का कहना है कि 50 मेगापिक्सल का हमने कैमरा लगाया और इसको लेवल अप कर दिया, तो रिजल्ट देख के मुझे बताइएगा ये लेवल अप लग रहा है आपको या लेवल डाउन लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक कैमरा में भी आप 1080p पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं मैक्सिमम 30fps पे। और दोस्तों इस वक्त सूरज की अगर बात करूँ तो इस साइड पे, डायनामिक रेंज भी चेक करें और मुझे बताएं आपको कलर्स कैसे लग रहे हैं। इवन अब ये मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे आप ग्रास का कलर चेक करें। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये आपको इसके बिल्ट इन माइक से ही आ रही है। अब आवाज़ का भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी इसकी आवाज़ आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं डाले गए जिस तरह हमने प्रीवियसली काफ़ी सारे डिवाइसेस में देखा। यहाँ पे वीडियोस में भी हमें बोके मोड देखने को मिलता है या ब्यूटी मोड देखने को मिलता है, भाई ऐसी किसी किस्म की आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। डेफिनेटली अगर आप इस कैमरा में अच्छे लगना चाहते हैं तो आपको फेयर एंड लवली फुल थोप के आना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस कैमरे का रिजल्ट कुछ खासा नहीं नजर आएगा। अब मुझे दोस्तों ये समझ नहीं आता कि ये 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा कौन सी नस्ल का लगाया गया कि इसमें रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा। डेफिनेटली मैं इसके कुछ कैमरा शॉट्स पहले भी ले चुका हूँ और मुझे वहाँ पे रिजल्ट कुछ खासा अच्छा नहीं लग रहा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका रिजल्ट कैसे लगा। दोस्तों ये है Redmi 10 का फ्रंट कैमरा और दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैंने इधर उधर वाले 2-3 लोगों को भी दिखाया, उनको भी मज़ा नहीं आया। दोस्तों बहुत गंदा रिजल्ट है और मुझे समझ नहीं आती कि Xiaomi ने क्या सोच के ये कैमराज लगाए हैं और क्या सोच के इसका मोटो रखा है कि जी लेवल अप। किस चीज़ का लेवल अप किया, हर चीज़ का तो लेवल डाउन है। दोस्तों यहाँ पे आपको ना तो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 33,000 रुपये की प्राइस रेंज में, थके हुए कैमराज देखने को मिल रहे हैं, तो लेवल अप कहाँ किया गया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दोस्तों इट्स टाइम फॉर स्लोमो। तो दोस्तों ये है अब Redmi 10 के भाई इंडोर सैंपल्स। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने होगा, जो मुझे डिस्प्ले में रिजल्ट नज़र आ रहा है ना लिटरली बहुत ज़्यादा बैड है। और दोस्तों बस इससे ज़्यादा मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकता, ऐसा ना हो कहीं मुझे खुद से नफरत हो जाए, तो काइंडली आपने मैनेज करना। ये इसका इंडोर सैंपल है, चेकआउट करें ज़रा, ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको Redmi 10 का कैमरा रिव्यू, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा और दोस्तों अपने फेवरेट यूट्यूबर से पूछना मत भूलिएगा, भाई Redmi 10 का कैमरा कैसे है उसका टेस्ट दे दें, शायद मैंने 2 टेस्ट किया हो भाई उनसे ले लीजिएगा टेस्ट ताकि आपको पता चल सके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस डिवाइस के कैमराज बहुत ज़्यादा फजूल लगे, कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे और दोस्तों यहाँ पे मॉड ही नहीं थे, यानी कि ना बुके मॉड था ना कोई
एंटी शेकिंग मोड था, किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं दी गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि Xiaomi ने क्या सोच के इसको लेवल अप का खिताब दे दिया। भाई क्या लेवल अप किया, मुझे तो लेवल डाउन लग रहा है। इससे अच्छे तो Redmi 9 के कैमराज थे लिटरली। दोस्तों यहाँ पे कैमरा की सपोर्ट बहुत ज़्यादा बुरी थी, ना 4K का ऑप्शन था, ना कहीं पर 60 FPS का ऑप्शन था। और दोस्तों स्लोमो जो आपने देखा वो कंप्यूटर में डाल के कुछ बेहतर हो गया था, अगर आप इसके बीच में देखेंगे ना तो यकीन करें खुदकुशी वाला मोमेंट आ जाएगा। दोस्तों मेरे लिहाज से ये फ़ोन कैमरा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर आप देख रहे हैं कि Redmi 10 को कैमरास के लिए लें तो बिल्कुल नो है। डोंट बाय इट फॉर कैमरास और फॉर एनी अदर रीज़न। आपको इस प्राइस रेंज में बहुत सारी अच्छी डिवाइसेस मिल जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।